हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग्स। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि दुर्गा पूजा का काउंटडाउन शुरू हो गया है और दुर्गा पूजा में पैंडल हॉपिंग के साथ साथ अगर खाना पीना सही से ना हो तो पूजा तो अधूरा रह जाता है ना, पूजा का मस्ती वो कंप्लीट नहीं होता। तो आज इसलिए हम लोग जाने वाले एक ऐसे ही ख़ास जगह पे जहाँ पे रेस्टोरेंट जो है मैथमेटिकल थीम पे बनाया गया है। जी हाँ, एक ख़ास अनोखा रेस्टोरेंट कम कैफ़े में जाएंगे जिसका नाम है C4U। पूजा के टाइम अगर खाने पीने के साथ साथ फैंडल हॉपिंग हो, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रीट फूड से लेके रेस्टोरेंट कैफ़े सब फेमस और हिट रहता है। देर की इस बात की, फटाफट से रेडी हो जाइए, मिलते हैं C4U कैफ़े में। और उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि सपोर्ट करिए और हम लोगों का चैनल के साथ जुड़े रहिए मस्ती के लिए। तो सबका दुर्गा पूजा अच्छा जाए और देखते रहिए अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग्स। मिलते हैं C4U कैफे। हेलो गाइस, मैं हूँ राज और मैं हूँ डोना। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग। यस, अनबीटन ड्रीम्स ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं खास कलकत्ता का रेस्टोरेंट में जो है मैथमेटिकल थीम बेस्ड रेस्टोरेंट और कैफ़े। तो वहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, बहुत सारे मज़ा करेंगे। तो और क्या क्या मज़ा डिश हम लोग एंजॉय करते हैं उसको देखने के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग बाहर खड़े हैं, यहाँ पे वो कैफ़े है, कैफ़े का बाहर का लुक ऐसा है। तो चलिए जल्दी से फटाफट अंदर चलते हैं। कैफे, ये बेसिकली रेस्टोरेंट से ज़्यादा कैफे बेस्ड रेस्टोरेंट है। तो आप लोग ये रेस्टोरेंट के अंदर जो नज़ारा आप लोगों को दिखा है तो देखें। होप यू हैव एंजॉयड द इंटरनल एटमोसफियर ऑफ द कैफे। तो मेरे साथ सोनू भी है, उसके साथ टूना भी है। तो ऑर्डर हम लोग दे चुके हैं, तो ऑर्डर हमें थोड़ा वक्त लगेगा। उससे पहले यहाँ पे जो ओनर है उनके साथ मिलेंगे। यहाँ का रेस्टोरेंट का जो थीम है मैथमेटिकल बेस्ड थीम, कहाँ से वो लोग इसको इन्वेंट किया, कहाँ से वो लेके आए, ये कहाँ पे है, कैसे आएंगे और यहाँ पे जो स्पेशलिटी है सब आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और यहाँ पे एक खास सबसे नन्हा गेस्ट को देखिए, एक मन लगा के यहाँ पे जो मेन्यू कार्ड है उसको पढ़ रही है। इसकी खुशी में एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और साथ में देखिए यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे रखा गया है, जैसे एक ओरिजिनल एकॉस्टिक स्पेनिश गिटार रखा हुआ है। और यहाँ पे सबसे अनोखा और एक बढ़िया चीज़ मुझे लगा, ये यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे tan cos थीटा वगैरह सब है। और उसके साथ साथ रूट वैल्यू ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसको आपकी इक्वेशन ये इसका जो आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। दीवार मुझे बहुत खास लगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे देखिए आप लोग देख ही पा रहे हैं, बहुत सारे इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दे रहे हैं। आप लोग सॉल्व करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तुम कैसे एंजॉय कर रही हो? तुमको फेवरेट क्या चाहिए? मुझे चाहिए मशरूम ब्रोकली सलाद जूस। सब फिनिश कर पाओगी? वेरी गुड। अच्छा, आ रही आ रही। खाना तो ऑर्डर हो चुका है पर ये जो रेस्टोरेंट कैफे है टेस्टी है। पड़ेगा ही, इसका उठाया जाएगा। बहुत दिन नहीं हुआ है और यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, यहाँ पे फेसबुक का जो फूडीज क्लब है वहाँ से हम लोग सुन के आए थे, तो देखते हैं यहाँ का जो फूड वगैरह बहुत फेमस है और खास यहाँ पे हंडी बियर जो मिलता है वो भी बहुत फेमस है। सुने हैं अगर होगा तो ऑनेस्टली देंगे ही नहीं, तो आप लोग भी देखते रहिए। और अभी दोनों चीज़ टेस्ट कर रही है, टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे कैसे बना है। बहुत ज़रा मुँह जल जाएगा, थोड़ा वेट कर लो ठंडी होने। ये तो चिकन स्वीट कॉर्न सूप है, इतना अच्छा टेस्ट है। मैं तो किसी को रिकमेंड करूँगी यहाँ आके सूप का ज़रूर लो, बहुत अच्छा है। ये सोनू का डिमांड है, देखते हैं खाने में कैसा होता है। और हाँ, सोनू को तो खाना पड़ेगा ही क्योंकि उसके डिमांड। देखिए कलकत्ता में ऐसा रेस्टोरेंट शायद पहली बार हुआ है। ये नॉर्थ कलकत्ता का सिटी इलाका में है, मैथमेटिक्स बेस्ड कैफे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जो मंजर है, यहाँ पे जो नज़ारा है, अंदर जो डेकोरेशन एटमॉस्फेयर है, लाइट भी है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन चारों ओर भरा हुआ है। सबसे बढ़िया मुझे लगा यहाँ पे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो कोर्स है, आप लोग देखें ना तो उसको, मुझे तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बहुत ज़्यादा इंस्पायरेबल पर्सन है मेरे लिए। तो उसका जो कोर्स है देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हो गया मैं फिर से। तो आप लोग भी यहाँ पे अगर आएंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। मगर अभी मशरूम जो चिली मशरूम ऑर्डर दिए वो कैसे लगता है आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मैं टेस्ट करूँगा यहाँ पे चिली मशरूम पीस, तो मेरे ख्याल से अच्छा अच्छा दिए हैं, तो इसको टेस्ट करके फिर बताते हैं, ठीक है ना। ये देखिए टेस्ट पीस तो बड़ा बड़ा ही दिए हैं ये सब, थोड़ा ज़्यादा गर्म है और टेस्ट स्पाइसी भी है थोड़ा, बहुत तीखा नहीं है और क्रिस्पी भी है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्रिस्पी जो चीज़ होता है, अगर मशरूम के ऊपर ये जो क्रिस्पी फ्लेवर इसको पैदा किया है, उसके अंदर जो फ्लेवर दिए ये भी बहुत बढ़िया है और बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं है। तो टेस्ट के हिसाब से ये चिली मशरूम बहुत अच्छा लगा मुझे। टेस्ट करके बताते हैं। देखिए अभी बहुत, देखिए कैसे धुआं उड़ रहा है, देखिए बहुत गर्म है। मगर मशरूम के साथ साथ ये वाला जो डिश है स्टार्टर में आता है, यहाँ पे आपका स्वीट कॉर्न एकदम इसके अंदर भरा हुआ है, उसके साथ साथ चिकन का फ्लेवर और ब्लैक पेपर अच्छा दिए हैं, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा हल्का स्पाइसी हो रहा है और उसके ऊपर टेस्ट इसका बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम नंबर 1। देखिए सोनू के लिए हम लोग ये खास जो चिली मशरूम इसको मंगवा दिया, मगर दुख की बात है थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा, इसलिए वो ये खा नहीं पा रहे। हम लोग थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, इसलिए थोड़ा स्पाइसी होगा उसको, इनको बोले से थोड़ा कम स्पाइसी लेकर बनाने के लिए, मगर अच्छा बना, टेस्ट बहुत बढ़िया है और थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा हो गया, बच्चे लोग ये खा नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल से हम लोग का ये यहाँ का जो ओनर है उसके साथ मिल पाएंगे, वो इसका यहाँ का जो हिस्ट्री है पूरा डिटेल्स बताएंगे। चलिए उनके मुँह से आप लोग सुन लीजिए। मेरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है। यहाँ पे जो थीम है उसका, उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न कुछ नहीं है, ऐसे मतलब इधर का जो इन्वेस्टर है, हम लोग का जो दादा है भास्कर चाचा के बुलाते हैं हम लोग, वो भी एक इंजीनियर ही है। अच्छा। और उसके दिमाग से बहुत दिन से था कि एक मैथमेटिकल थीम से या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का थीम से कुछ बनाया जाए ऐसे रेस्टोरेंट टाइप, तो उसी वजह से ये मतलब थीम सामने आया। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये 9 जून से खुला हुआ हम लोग। खुलने के टाइम जब 9 जून से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उसके बाद धीरे धीरे जब मतलब एक फिक्स कस्टमर बैकग्राउंड हम लोगों का क्रिएट होते गया, उसके बाद अभी जो कस्टमर्स आते हैं तो वो लोग जानते हैं कि क्या कहाँ आ रहे हैं या फिर मतलब कहाँ खाने के लिए आ रहे हैं, कैसे क्वालिटी उनको मिलेगा। वेज नॉन वेज दोनों ही है और हम लोग बहुत कुछ मतलब स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि पॉर्क स्क्विड ये सब भी स्टार्ट होने वाला है, क्रैब। एक ऑथेंटिक चाइनीज रेस्टोरेंट में जैसे ट्रीट होता है फूड, वैसे ही हम लोग ट्राई करते हैं। आप लोगों का जो कैफे वहाँ का स्पेशल फूड क्या है? वैसे बहुत कुछ स्पेशल है, जैसे हम लोगों का अभी नया स्टार्ट हुआ है बिरयानी, हंडी बिरयानी, मटन हंडी बिरयानी, चिकन हंडी बिरयानी तो स्पेशल है ही है। उसके अलावा है हम लोगों का मशरूम सूप, फिर अल्फ्रेडो पास्ता है, फिर हम लोगों का C4U स्पेशल फ्राइड राइस है, C4U स्पेशल नूडल्स है जो बहुत मतलब फेमस है इधर। हाउ टू रीच हियर? शियालदह से आ रहे हो तो दमदम बेस्ट है, दमदम स्टेशन पे उतर जाओ, उसके बाद ऑटो मिल जाएगा आपको। ऑटो से आप विनायक हॉस्पिटल तक आ जाइए, उधर से विधान पार्क कहाँ है, विधान पार्क का जो एकदम क्रॉसिंग है उधर ही है मिनर स्ट्रीट। बीटी रोड से आप लेफ्ट ले लिए तो शीतली मोड़ से आपको सीधा विनायक हॉस्पिटल तक आना पड़ेगा, विनायक हॉस्पिटल से फिर विधान पार्क। तो आप लोग सुने यहाँ का जो ओनर सौरभ चक्रवर्ती है, यहाँ का पूरा रिव्यू वगैरह और हमें डिटेल्स। अभी हम लोग मंगाए सोनू के लिए, खास सोनू बहुत पसंद करती है वाइट सॉस पास्ता, वो कैसे बनाए उसको टेस्ट करके उसका रिव्यू देंगे। देखिए उससे पहले अब सूरत में सिनेमेटिक शॉट्स हम लोग देख लीजिए। अभी देखिए ये है वाइट सॉस पास्ता, कैसे गरम है ना, और इसका टेस्ट कैसे इसको खाया जाए और उसके बाद इसका ऑरेंज जूस दिया जाए। आ रहा है। ओ भाई साहब, टेस्ट तो बहुत लाजवाब है और बहुत लजीज है, अंदर जाके एकदम मुंह में ऐसे फीलिंग आ रहा है ना, जस्ट वाओ। इसको छोड़कर दूसरा कोई शब्द अब यूज नहीं कर सकते। अब इस द पास्ता बहुत अच्छा टेस्ट इसका, इतना यम्मी है, पास्ता तो मुँह में जाते ही पिघल जा रहा है, और क्रीम जो सॉस है इतना अच्छा यम्मी है, सोनू के लिए बचा के रखना पड़ेगा। भाई साहब अभी हम लोगों का सबसे प्यारा, सबसे चहीता, ऑल टाइम फेवरेट, सबका फेवरेट चीज हम लोग यहाँ पे मिट्टी का हांडी में वेट कर रहा है, वो अभी खोलेंगे और उसका मजा लेंगे। वो क्या है खोलने के पहले लोग जरूर दिखाएंगे। तो देखिए ये है यहाँ का स्पेशल हंडी बिरयानी, चलिए उसको ओपन करते हैं। बिरयानी में सबसे स्पेशल जो होता है, सबसे पसंदीदा चीज़ बिरयानी का जो चिकन या मटन का पीस, और उसके साथ साथ उसके अंदर आलू है कि नहीं, आलू का साइज, और उसके साथ साथ अगर अंडा है तो ऊपर से, ठीक है ना। तो चलिए बिरयानी का टेस्ट करके, बिरयानी का मज़ा लेके आप लोगों के साथ बताते हैं और शेयर करते हैं। आप लोग भी देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। तो बिरयानी का जो चिकन का पीस है कैसा दिया है, पीस तो बहुत बढ़िया दी है, और बॉयल अच्छा खासा बॉयल किए हैं, और अंदर जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा खासा है। देखिए बिरयानी का राइस तो बहुत अच्छा खासा बॉयल हुआ है, मुंह के अंदर डालते ही एकदम थोड़ा मेल्ट हो जा रहा है। चिकन भी बहुत अच्छा खासा बॉयल हुआ है, और राइस के अंदर जो बिरयानी का फ्लेवर है, जो आसमान का फ्लेवर, उससे तो कंपेयर नहीं जा रहा हूँ, मगर मेरे ख्याल से और थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए उसका, तब टेस्ट और भी बहुत निकल के बाहर आएगा। ओवरऑल बिरयानी अच्छा है और बहुत टेस्टफुल भी है, बहुत लजीज भी है। आलू बहुत अच्छे खासा बॉयल हुए, मुँह के अंदर डालने से मेल्ट हो जा रहा है ये। उसके साथ साथ यहाँ पे और एक ऊपर से जो हम लोग मिला है हम लोगों को, ये आपका 7 करने का टाइम टूट गया था, आउट ऑफ 10 हम इनको 8 देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिरयानी के साथ और एक चीज़ हम लोगों को दिए हैं, देखिए है रायता। रायता खा के साथ बिरयानी और भी ज़्यादा अच्छा लगा है। जैसे हंडी में बना है तो हंडी बिरयानी का डिफरेंट टेस्ट होता है, थोड़ा स्मोक फ्लेवर होता है, उसका अलग मज़ा है, अलग नशा है, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये बहुत बढ़िया बना है ना। वापस आप लोग देखिए कैफे का जो थीम है, आप लोग कैसे एंजॉय किए, खाना कैसे एंजॉय किए, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके नीचे कमेंट्स बॉक्स में। हमारे इंतजार रहेगा आप लोगों का वैल्यूएबल कमेंट्स का। और लास्ट नॉट द लीस्ट जो बोलना जरूरी है, आप लोग ये बोलना चाहते हैं, ये कैफे टाइप का रेस्टोरेंट है, थोड़ा बहुत छोटा रेस्टोरेंट है, इसलिए स्पेस का थोड़ा और भी बड़ा करने का जरूरत था, क्योंकि शूट करने में या बैठने में थोड़ा असुविधा हो रहा था हम लोगों का। फूड के बारे में अगर बताएंगे तो ये एक कैफे बेस्ड रेस्टोरेंट है, इसलिए कैफे में जो जो चीज़ मिलना चाहिए हर कुछ चीज़ यहाँ पे मिलता है। उसके साथ साथ मोगलाई चाइनीज भी उन लोग बहुत अच्छे तरह से बनाते हैं। फूड क्वालिटी ऑफ फूड जो है वह भी अच्छा है। आउट ऑफ 10 हम 7 to 8 देना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग जैसा बोलेंगे वो लोग ऐसा ही प्रिपेयर कर देगा। उसमें स्पाइस कम हो के ज़्यादा हो, तीखा ज़्यादा कम, आप जैसे बोलेंगे वो वैसे ही प्रिपेयर कर देगा। और खाना बहुत फ्रेश है और सब कुछ आपके मुताबिक ही तैयार कर देंगे वो लोग। ये बहुत बढ़िया बात है। तो पूजा के टाइम में आप लोग वहाँ पे जाके मतलब C4U में जाके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों का जो पूजा का मज़ा एकदम डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है या जो फीलिंग्स आपको लगेगा। तो जाइए और पूजा का भरपूर आनंद उठाइए। तो फूड का क्वालिटी अच्छा है, आपका हाइजीन अच्छा है, सर्विंग्स इन लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा है और नया नया है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत जो है वो तो उन लोगों को टाइम देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ओवरऑल अच्छा ही लगा है। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फूड वगैरह बहुत अच्छे तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का आज का ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो दबा के सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। एज ऑलवेज लीव लाइफ एवरीडे, हर दिन एक नया शुरुआत। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। Okay. Do you enjoy the food or cafe? Yeah, but I okay.